स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का। तो आज हम करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट। तो इस मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स की आपकी जीके रहेगी और 20 मार्क्स की ही आपकी इंग्लिश रहेगी। अगर आप 30 प्लस स्कोर करते हो इस मॉक टेस्ट में तो आपकी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी जा रही है और हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस स्कोर करना एग्जाम में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाल ही में एग्जाम होकर हटा है चंडीगढ़ सबॉर्डिनेट कोर्ट क्लर्क का, उसमें हमारी वीडियो से ही 30 प्लस क्वेश्चंस आए थे। तो आपको हमारे मॉक टेस्ट जरूर तैयार कर लेने हैं और जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और जीके और करंट अफेयर के, आप उन्हें जरूर देख लें अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो कर लेते हैं आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द, तो ह्यूमन बॉडी में फैट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मच कंजप्शन ऑफ टी और कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ, तो ज़्यादा मात्रा में अगर हम टी और कॉफ़ी लेंगे तो वो हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी कर देती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो एनिमल फूड्स में नहीं पाया जाता। राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, तो जो हमारी आंखों का कलर है वो कौन सी पिगमेंट होती है जिसके आधारित ही वो बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेश्योर द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज, तो वैसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मिल्क की घनता को मापने के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर फ्रीज इट्स डेंसिटी इज, तो जब वाटर फ्रीज होता है तो उसकी घनता पर क्या असर पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो किसने डिस्कवर किया था लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिशाइल फ्राडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, तो इनमें से किसका मैक्सिमम मास होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर कॉल्ड, तो जो एटम्स होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, इसोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज, तो नॉन मेटल होते हैं जो लिक्विड स्टेट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रोमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन को जंग लगने के बाद क्या असर पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंक्रीज इट्स वेट, तो उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बैड कंडक्टर, तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बैड कंडक्टर है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म, तो इनमें से कौन सी बुद्धिज्म की सेक्रेड बुक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, त्रिप्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट, तो बुद्धा ने कहां पर सबसे पहला धार्मिक मैसेज दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फेमस किंग ऑफ कुशान डेंसिटी, तो कुशान डेंसिटी का फेमस किंग कौन था। राइट आंसर ऑप्शन ए, कनिष्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV स्टैंड फॉर, तो PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जितने भी फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन है हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर रिपीट होते हैं। मैं जितनी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीटेड थे और जितने भी चांस हैं किसी भी फुल फॉर्म के रिपीट होने के, मैं आपको इन वीडियोस में कवर करवाता रहूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा चैनल आपकी निश्चित ही हेल्प करेगा अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज एंड नाइट्स आर सिमिलर हेयर, तो कहाँ पर डेज और नाइट सेम होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इक्वेटर। इक्वेटर पर डेज और नाइट सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ इंडिया रिसर्च स्टेशन एट द नॉर्थ पोल इज, तो इंडिया का कौन सा इंडियन रिसर्च स्टेशन है जो नॉर्थ पोल पर है, उसका आपको नाम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमांद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एस्टैब्लिश, तो नेशनल कमीशन है माइनॉरिटीज के लिए कब एस्टैब्लिश किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट, तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट में है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। तो अब हम कर लेंगे इंग्लिश का पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरर, तो हमको एरर फाइंड करना है इसमें कौन से नंबर में एरर है। वाटर वाज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज द ग्रास वाज वेट, तो ड्रिपिंग होता है बूंद बूंद कर कर टपकना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन तो इसमें एरर है ऑप्शन बी में, तो ऑफ की जगह आएगा फ्रॉम। तो जब भी कोई भी चीज टपकती है उसके लिए फ्रॉम यूज करेंगे हम। वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड द ग्रास वाज वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिनोनियम ऑफ पिक्वेंसी, तो पिक्वेंसी का सिनोनियम बताना है। तो पिक्वेंसी का सिनोनियम होता है फ्लेवरिंग, और ब्लैंड होता है फीका, और इंसिपिड होता है टेस्टलेस, और टीडियस होता है बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका भी हमको सिनोनियम बताना है कन्फ्रंट का, तो कन्फ्रंट होता है किसी चीज का सामना करना, तो इसका सिनोनियम होगा ऑप्शन डी, टू एक्कोस्ट। टू अवॉइड होता है बच निकलना, टू डोज होता है अवॉइड करना, टू येल्ड होता है समर्पण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंटोनियम, तो एंटोनियम बताना है सेवंथ का। राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्मेच्योर। तो सेवंथ होता है बहुत ही ज्ञानी विद्वान, एमेच्योर होता है मूर्ख प्राणी कोई, तो एकेडमिक होता है शिक्षा ना संबंधित कुछ भी चीज हो, पंडित होता है एक्सपर्ट, और एगहेड होता है हाईली एक्सपर्टेड और हाईली एजुकेटेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडिक्ट, तो इसका भी हमको एंटोनियम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, टू एक्सोनरेट। तो इंडिक्ट होता है आरोप लगाना किसी पर, और एक्सोनरेट होता है बरी करना। टू अरेंज होता है क्रिटिसाइज करना, टू सिक्योर होता है डांट फटकार लगाना, और टू अम्पीच होता है जैसे कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, अगर उस पर कोई भी दोष लगता है वो इम्पीचमेंट्स होती हैं तो उसे कहते हैं टू अम्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, तो हमको फिल करना है ब्लैंक में। एट नाइट द हंगरी ऑर्फन वुड स्नीक इन टू द किचन एंड डैश टाइनी अमाउंट ऑफ द फूड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिल्फर। पिल्फर होता है बहुत ही छोटी मात्रा में कुछ चुराना, तो यहाँ पर हो जाएगा एट नाइट द हंगरी ऑर्फन, तो रात को हंगरी ऑर्फन, ऑर्फन होता है जिसके माँ बाप नहीं होते। वुड स्नीक इन टू द किचन, वो किचन में चोरी से गया और उसने टाइनी अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में फूड चुराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द ओनली डैश पर्सन इन द वैकी फैमिली द सेंसिबल गर्ल फेल्ट लाइक द ओल्ड वुमेन आउट, फैंकी फैमिली होता है बहुत ही संकी फैमिली, पागल परिवार, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें ही फिल इन ब्लैंक करनी है हमको।
If you are caught using a calculator in the exam, then it will be. अगर आप एग्जाम में पकड़े जाते हो कैलकुलेटर चुराते हुए तो आपका कैलकुलेटर कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा. कॉन्फिस्केटेड होता है जब्त करना, टेकन नहीं होगा क्योंकि टेकन होता है लेना. अगर हम किसी भी अथॉरिटी में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको ऐसी चीज़ पकड़ी जाती है कि जो कि वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है. कॉन्फिस्केटेड भी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिनोनियम ऑफ डिसेंसी. डिसेंसी का सिनोनियम बताना है. डिसेंसी का सिनोनियम होगा डिग्निटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर फाइंड करना है इसमें. इंडियन डिफेंस फोर्सेस फाउट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्डर वाज स्टैंडिंग. राइट आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में एरर है. हमको आर्टिकल द का यूज करना है इंडियन के आगे. द इंडियन डिफेंस फोर्सेस यहां पर होगा, तो एरर है ऑप्शन ए में. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर फिल इन ब्लैंक्स है. डैश एंड माय यंगर ब्रदर टू द मूव ऑल बाय आवर सेल्फ. तो यहां पर नॉमिनेट प्रोनाउन का यूज होगा. नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर यूज होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए. आई एंड माई यंगर ब्रदर टू द मूव ऑल बाय अवर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर. तो पैरा जंबल है, इसको हमको राइट ऑर्डर में लगाना है. द ट्रूथ अबाउट दिस डिसफंक्शनिंग डाउन स्केल They deserve to die community is that. तो आपको इसको रीअरेंज करना है सही ऑर्डर में. तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी. तो क्या बन जाएगा, द ट्रुथ अबाउट दीज डिसफंक्शन डाउन स्केल्स कम्युनिटीज इज दैट दे डिजर्व टू डाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ब्रैकेटेड पार्ट को हमको इम्प्रूव करना है. द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन नोकड डैश द रैश ड्राइवर. तो आपको अवे बाय की जगह अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी है. राइट आंसर है ऑप्शन ए, आउट बाय. तो अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन को टक्कर मारी एक रैश ड्राइवर ने, इसकी जगह आएगा अवे बाय की जगह आउट बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड गेट ट्रेन टू प्रिपेयर वंस ऑन ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पर भी आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी है ब्रैकेटेड पार्ट की जगह ट्रेन की जगह. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूज्ड. वन शुड गेट यूज टू प्रिपेयर वंस ऑन ब्रेकफास्ट. तो हर एक को आदत हो जानी चाहिए अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाने के लिए. ट्रेन तो होगा किसी चीज की ट्रेनिंग लेने के लिए, यहाँ पर यूज होगा यूज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिनोनियम. एब्रट का सिनोनियम बताना है आपको. इसका राइट सिनोनियम होगा ऑप्शन बी, सडन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ बैगी. तो बैगी का एंटोनियम क्या होता है. राइट आंसर ऑप्शन डी, टाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सलगिश का एंटोनियम बताना है. राइट आंसर ऑप्शन सी, एनिमेटेड. नेक्स्ट भी एंटोनियम बताना है, सैनिकल का एंटोनियम. राइट आंसर ऑप्शन ए, गलीबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, लायबिलिटी का भी आपको एंटोनियम बताना है. राइट आंसर असेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट का भी आपको एंटोनियम बताना है. तो क्या होगा इसका एंटोनियम, ये रहे आपके चार ऑप्शंस, एडमायर, एबहोर, डिस्पाइट, लोएथ. तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है इसका राइट आंसर. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी. थैंक यू.